और जो अपाचे का फ्रंट का व्हील, हेडलाइट, मीटर, वाइजर सब है, मैं सब एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगा, इसका प्राइस भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा देखिए, स्किप मत करिए, अच्छी तरह से देखिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना, और वीडियो ऐसे ही हमेशा अभी अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ हम लोग मीटर देख लेते हैं। मीटर का मेरे को बहुत ज़्यादा कमन आता है भाई, मीटर का कितना प्राइस होता है। ये हो गया रिफ्रेश मॉडल का मीटर, एलईडी मीटर, ठीक है, अपाची 60 का, ठीक है, ये अपाची 160 का डिजिटल मीटर है। तो इसका प्राइस भी देख लेते हैं और इसका रेट भी देख लेते हैं। और आप लोग को सामान चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ये देखो NF60230, ठीक है, और इसका प्राइस हो गया 3645, ठीक है, ये हो गया इसका प्राइस और ये हो गया मीटर, ठीक है। फिर आ गया आप लोग सबसे ज़्यादा जो कमेंट करते हो का ट्यूब, इनर ट्यूब जिसको बोलते हैं हम लोग का इनर ट्यूब, इसके भी प्राइस देख लेते हैं। मैं सब सामान आप लोग को खुल के रखा है क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से समझोगे तो इसलिए मैं खुल के रखा है। तो खुल के मैं एक एक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। एक ये हो गया इनर ट्यूब, ये हो गया इनर ट्यूब, मैं फोकस कर लेता हूँ, ये हो गया इसका पार्ट नंबर N910106, ये हो गया एक पीस का 855, ठीक है, 855 इनर ट्यूब का एक पीस हो गया, ठीक है, 855। फिर जो मीटर के ऊपर लगता है, जो मीटर के ऊपर ये केस लगता है, मीटर के नीचे लगता है ये वाला हो गया, ये वाला ये मीटर का ये ऊपर का केस हो गया, इसका अंदर भी लिखा है, देखो पार्ट नंबर लिखा है, पार्ट नंबर लिखा है, मैं फोकस कर लेता हूँ, N9222970, ये देखिए इसका भी सामान का देखिए N9222970, ठीक है, ये हो गया 155, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ये टूट जाता है ये हो गया अपर ब्रिज, जो स्टेयरिंग जिसके अंदर लगता है, स्टेयरिंग जिसके अंदर लगता है ये अपर ब्रिज हो गया। तो ये हो गया अपर ब्रिज, आप देख सकते हो। ये मैं पैकेट खुला नहीं क्योंकि बिकने के टाइम बहुत दिक्कतदारी होता है, तो इसलिए मैं पैकेट खुला नहीं। जो जो खुल के मैं आप लोग को दिखा सकते तो मैं सबको खुल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो चीज़ मैं खुल नहीं सकता तो इसको तो ऐसे ही देखना पड़ेगा आप लोग को। इसका पार्ट नंबर हो गया N910100 और इसका रेट हो गया 860, ठीक है। और ये हो गया स्टेयरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडल बार, ये हो गया हैंडल बार, ये हो गया हैंडल बार, तो इसका भी हम लोग रेट देख लेते हैं, 1197। और ये हो गया लेफ्ट साइड, ये पार्ट नंबर हो गया N915070, ये हो गया बैलेंसर स्टेयरिंग, ठीक है, ये हो गया हेडलाइट, ये जो हेडलाइट है ये हो गया हेडलाइट, ये होता है विद्युत बल्ब, ठीक है, ये हेडलाइट विद्युत बल्ब, मैं अच्छी तरह से आप लोग को दिखाता हूँ, ये हो गया हेडलाइट। तो हेडलाइट का भी प्राइस देख लेते हैं हम लोग, हेडलाइट का प्राइस हो गया 1203 और पार्ट नंबर होता है N93N932460, ये हो गया हेडलाइट। ये देखो लिखा है ये हेडलाइट विद्युत बल्ब अपाची रिफ्रेश मॉडल का, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का मार्केट अपाची का ब्लू कलर, जो अभी BS6 में ये ग्राफिक्स आता है, ठीक है, ये हो गया फ्रंट का मार्केट। तो इसका भी पार्ट नंबर देख लो अंदर से N9222020169, ठीक है। तो इसका भी प्राइस देख लेते हैं, इसका भी प्राइस देख लेते हैं, ये देखो इसका पार्ट नंबर देखो, और ये हो गया 1157, ठीक है, ये हो गया फ्रंट का मार्केट अपाची का। जो ज़्यादातर जो ब्रेक के ऊपर जो कैलिबर होता है, ये हो गया कैलिबर, इसके अंदर ब्रेक शू लग के आता है, कंपनी से ब्रेक शू लग के देता है, जो फ्रंट का है, ये फ्रंट का है, रियर का नहीं है, फ्रंट का है। तो फ्रंट का भी मैं देखाता हूँ, N9111930 हो गया 2775, ठीक है। ये देखो लिखा है कैलिपर असेंबली फ्रंट, ठीक है, RTR का, ये फ्रंट का हो गया। और ये हो गया डिस्क प्लेट जो इसके ऊपर लगता है, फ्रंट का डिस्क प्लेट। तो इसका भी मैं प्राइस देखाता हूँ,
N9111890। ये को हो गया डिस्क प्लेट फ्रंट अपाची का, ठीक है, फ्रंट डिस्क प्लेट। और ये हो गया मैक व्हील, मैक व्हील ये ट्यूबलेस होता है, ये अपाची फ्रंट का है। तो इसको भी पार्ट नंबर देख लेते हैं, N9111100। और ये हो गया 4064 लेके ही है, एलओएल डिक्स फ्रंट ब्लैक कलर, ठीक है। तो ऐसे मैं वीडियो लेके आऊँगा, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना, और आप लोग को कुछ सामान चाहिए तो इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम कर सकते हो।